अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज मैं आपको वी गले का काटने का तरीका, आसान तरीका बताऊंगी। आपने 10 इंच लंबी और 10 इंच चौड़ी बुकरम लेनी है। सबसे पहले आपने 3.5 इंच पे निशान लगाना है, उसके बाद 6.5 इंच पे निशान लगाना है और एक लंबी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जो 6.5 इंच पे हम लोगों ने निशान लगाया था, उसको हमने 3.5 इंच के निशान के साथ मिला देना है आपस में, और जितना हमारा स्क्वायर है इसकी मद उतना ही हमने एक और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोगों ने पहले अंदर से कटिंग करनी है, गले की कटिंग करनी है, और 1 इंच हम लोगों ने चौड़ा गला रखा है और फिर हम लोगों ने बाहर से कटिंग करनी है। ये देखें, एक इंच चौड़ा ये गला हम लोगों ने तैयार किया है। ये देखें कितना प्यारा ये गला वी गला बन गया है। अब हम लोगों ने देखें 6.5 इंच इसकी हम लोगों ने गहराई रखी है और 7.5 इंच हम लोगों ने ये चौड़ा रखा है। अब हम लोगों ने जिधर से प्रेस होता है वहाँ से नीचे कपड़ा रख कर हम लोगों ने इसको प्रेस कर, कपड़ा नीचे रख कर हम लोगों ने प्रेस कर लेना, हमारा गला तैयार हो जाएगा। और अब एक और शेप मैं आपको बताती हूँ बी गले की, वो भी बुकरम हमने तकरीबन 10 इंच लंबी और 10 इंच हम लोगों ने चौड़ी लेनी है, उसको फोल्ड कर लेना है और फिर 3.5 इंच हम लोगों ने गला रखना है और ये खुल के 7 इंच हो जाएगा, और लंबा जो सा है वो हमने गहराई में हमने 6.5 इंच रखना है। अब एक हम लोगों ने डब्बा ड्रॉ कर लेना है। देखिए ड्रॉ करने के बाद हम लोगों ने इस्त्री की मदद से इसकी गुलाई करनी है। ये देखिए पहले हम लोगों ने पहले हाथ से खुद ही गहराई करनी है। ये देखिए आराम आराम से हम लोगों ने इसको गुलाई करनी है, फिर हम इस्त्री की नोक के साथ इसको रख कर जहाँ से हमारा गला आ रहा है 3.5 इंच से, वहाँ से हम लोगों ने प्रेस की मदद से हम लोगों ने इसकी गुराई रख लेनी है। ये देखें कितनी प्यारी गुराई होगी ये इसकी। गुलाई करने के बाद हम लोगों ने 1 इंच निशान लगाते जाना है साथ साथ, ताकि हम लोग बाहर से इसकी कटिंग सेम कटिंग कर सकें। पहले हम लोगों ने अंदर से कटिंग करनी है, और अब हम लोगों ने जितना चौड़ा गला रखना है ना उसके मुताबिक हम लोगों ने कटिंग कर लेनी है। हमने 1 इंच निशान लगाया था उसके मुताबिक हमने कटिंग कर ली है। ये देखें ये भी वी गला हमारा तैयार हो गया है। अब ये जो वी गला है ये आजकल बहुत ही नया, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।